future. मैसेज करने बोल उसको अब ये सनकी आया क्यों नहीं अब तक? इसके वजह से एक दिन खर्चा हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? भाई गया तेल लेने। ठीक है भाई। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो इस इलाके में कभी नहीं हुई और यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हाइना की हलचल है। इस पूरी घटना के बारे में हम लगातार सैफ्रॉन टीवी से बने हुए हैं। आसपास के गांव वाले भी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं वो हाइना किसके साथ क्या करेगा। हाँ बोलो जोशी। सत्या पार्थिबन से बात कर रही थी लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा। कहाँ है वो? वो अभी अभी सिद्धू को स्कूल छोड़ने के लिए निकला है। एक बार सिद्धू को कॉल करके देखो, दोनों साथ में होंगे। अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। उधर ठीक से हैंडल करो, उधर एक बैरिकेड लगाओ, जल्दी करो। कुमार सर, व्हाट्स द सिचुएशन अपडेट? सर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। तो कोई आ रहा है? वाइल्ड लाइफ SOS टीम से दो एक्सपर्ट भेजे हैं। आज से पहले उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा है पर यहाँ तो हाइना है। किसी को भी नहीं पता उसे कैसे हैंडल करना है। पार्थिबन, वी हैव अ सिचुएशन, इमरजेंसी है, क्या तुम अभी आ सकते? अपने मैसेजेस चेक करो, मैंने तुम्हें फुटप्रिंट का फोटो भेजा है। फुटप्रिंट्स बड़े हैं, स्पॉटेड आईना भी हो सकता है। अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। ओके, तो तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच सकते? जाके माँ को ये मत कहना कि तू स्कूल के लिए लेट हो गया था, चल वादा कर। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, आप मम्मा से ये नहीं कहेंगे मैं आज स्कूल फोन लेकर गया था। प्लीज पापा। सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है पार्थिवन। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है या तो वो खो गया है या उसका झुंड मारा जा चुका है। लोग उसे डर कर उसे मारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर तुम्हारा तरीका अपनाया ना तो वो हमारा ही शिकार कर डालेगा। तो कैसे पकड़ना है उसे? वॉकी टॉकी। चैनल 3, हम चैनल 3 पर। ठीक है पापा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
गाड़ी छोड़ के नीचे मत उतरना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं जानवरों से नहीं तेरी माँ से डरता हूँ। ओके सर, ये बैरिकेड्स आपने यहाँ क्यों लगवाए? वो जानवर स्कूल में भी घुस सकता है सर, ये बहुत रिस्की हो सकता है सर, प्लीज। रेंजर सर, एक काम कीजिए, मैं आपको है ना मेरा ड्रेस देता हूँ, मेरा काम भी आप ही कर लीजिए। कम इन पार्थिवन। या जोशी, ये इन लोगों के बस की बात नहीं, सिचुएशन हमें ही संभालनी होगी। तुम सेंचुरी जाके ट्रैंक्विलाइजर तैयार करो, कहां से कब शूट करना है मैं बताऊंगा। ठीक है। छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा, ये बात समझे बिना सब उसे मारने में लगे हुए हैं। यही चलता रहा तो हाइना स्कूल पहुंच जाएगा। जोशी, तुम ट्रैंक्विलाइजर लेकर स्कूल के वेस्ट की तरफ पहुंचो। बच्चे अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं रुकेगा, सब लोग अंदर जाओ, मैंने कहा ना सब अंदर जाओ। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाओ, एक इमरजेंसी है। टीचर्स अंदर साहब, आप लोग बच्चों को संभाल के अंदर ले जाइए, टाइम नहीं है, जल्दी करिए। ट्रैंक्विलाइजर गन के लिए मुझे परमिशन मिल गई है, मैं गन लेकर जा रहा हूँ। उसके गर्दन पे निशाना मत लगाना, उसकी हंसी की आवाज जितनी तेज होगी उसका हमला भी उतना ही खतरनाक होगा। उसके लंग्स पे निशाना लगाओ। शूट। हैंग ऑन, यही सही मौका है, शूट करो जोशी। मेरी गन जाम हो गई है पासे पर। मौका आने पर हर वक्त तैयार रहने वाला वो कोई सोल्जर नहीं है, मशीन है। सर्विस करनी पड़ती है। ऐसे तू हाँ पापा। अपना जैवलिन उठा और शूलेस जोशी अंकल को दे। ठीक है पापा। जैवलिन मुझे दे दीजिए। क्यों? अंदर जाओ। मांगा था वो तैयार है। पापा से कहिए मैं फेंक रहा हूँ।
गेट रेडी, लो आ रहा है। पार्थिवन है सर, चेन्नई से आया है, एनिमल रेस्क्यू। इसकी यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है। ए, अंदर जा, अंदर जा। एक एक करके सवाल पूछिए, सर आपको जवाब देंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है, ये हमारे लिए रोज का काम है। उनको उधर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। ये DFO पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, चल कवर करते हैं। अरे इन्हें क्या कवर करना, असल में इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया। व्हाइट शर्ट, टक्ड इन, मिडिल एज मैन। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा, तब बनेगी असली न्यूज़। व्हाइट शर्ट, मिडिल एज मैन, इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? पता है? नहीं पता। अब वो मुझे फाड़ेगी। ए, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत और कोई चेक पोस्ट भी पार मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे पकड़े जाओ। मैं कुछ करता हूँ तब तक। अबे पैसे नहीं हमारे पास, यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा ना। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम तुझमें भरोसा करके यहाँ पर आए हैं और तू वहाँ बैठ कर हुक्म दे रहा है। बिना पैसे के हम कहीं नहीं जा सकते। देख तो कुछ भी कर और पैसे भेज। अरे यार हालात को समझो, कलेक्टर के मरने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। एक हफ्ता जाएगा मामला ठंडा होने में, उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी देख क्या रहा है, गाड़ी चला। क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं इनका। In the early hours of yesterday morning, some unknown men who broke into the collector's guest house have throat slit and brutally murdered. अभी तक तैयार नहीं हुई? The collector. ओ अच्छा, शर्ट की वजह से गुस्सा हुआ। वो चॉकलेट गिर गई थी इसलिए धोने डाली है। एक्चुअली वो खास एनिवर्सरी के लिए मैंने प्यार से वो शर्ट लाई थी, लेकिन तुमने तो शर्ट और मूड दोनों खराब कर दिया। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जितना भी मुझे बहलाओ, फुसलाओ, मेरे पैर पड़ो, मेरा गुस्सा नहीं कम होने वाला और प्लान भी चेंज नहीं। You're right. वो वाली भाई। भाई, दुकान में कोई नहीं है, सब लोग कभी आएंगे? सब लोग 6 बजे की बात आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। मार लिया या सबके गले खा लिया, बोलो क्या करना है? रात तक यहीं रुकते हैं। बाल काटेगा? इस दिमाग के पैदल की वजह से किसी दिन मेरा विकेट जाएगा। सब लोग डर के
से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चलाई। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहां? वहां जहां पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहां। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहां हो, लेकिन तुम जहां हो वहां से उसे आसानी से मार सकते हो। खाली 300 रुपए निकले और ये फोन मिला है भाई। ए, जा बड़ा शिकार ढूंढ। और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, तुम चुपके से वहां से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? पिक्चर योरसेल्फ। मैं तो वहीं पे सो जाऊंगी। तुम वहीं सो जाओगी? सिद्धू कल सुबह स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। रुको ना माँ, दो मिनट। मैं तो फटाफट वहां से निकल जाऊंगा और बैकअप के लिए और पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन इतनी देर में तो सीरियल किलर और तो मैं वो गन पुलिस वाले को दूंगा और उनसे कहूंगा यहां से क्लियर शॉट है, मार दो। पुलिस वाले की फटी पड़ी है बे, वो कैसे गोली चला सकता है? पिक्चर योरसेल्फ। दुख देगी। हेलो, तू रुक, ले पकड़। ए, एटीएम का पिन बताने बोल, वरना मैं इसे मार दूंगा। हाँ तू बोल। पुलिस, पुलिस यहाँ। ए, कान फाड़ेगी क्या? नहीं, मेरा नहीं जा रहा। बचाओ। एटीएम का पिन दे। पिन नंबर। जाने दो मुझे। पिन नंबर। छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसा मत करो। पिन नंबर। तो मैं खुद उसे मार दूंगा। अगर तुमने गोली चलाई तो तुम भी खूनी कहलाओगे। ये कानून के खिलाफ है। एक और तरीका है। पिक्चर योरसेल्फ। गोली क्यों मारी? और ये बंदूक कहां से आई? पेन नंबर। पेन नंबर। मैं नहीं जानता और क्या कर सकते हैं पापा। देखो हम जो भी रास्ता लें उसमें खून तो बहेगा ही। अब एक रास्ते पर मासूमों का होगा और एक पर गुनेगार का, तो गुनेगार ही सही। सिद्धू जा, बोला ना जाके सो जाओ, देर हो गई है। चलो शिंटू। एक ही ऑप्शन है, उसे मारना पड़ेगा। ये किसको मारने की बात कर रहा है? वो पिक्चर योरसेल्फ वाली कहानी है ना, उसके सीरियल किलर को। कहानी पे अटका। मैंने कहा ना तू गोली चलाएगा तो तू भी खूनी कहलाएगा। उसके बाद तुझे जेल होगी, रात को नींद नहीं आएगी। चलेगा तुझे? मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे क्योंकि मैंने बुराई को खत्म किया है और मैंने मासूमों की जान भी तो बचाई है। और मैं लकी रहा तो मुझे मेडल भी मिलेगा। क्यों हूं ना मैं स्मार्ट। गाड़ी में बैठ। मीटिंग चल रही थी क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये मुहूर्त कितने बजे का? चिंटू को छोड़ के हम आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने इसको क्या सोचने को बोला था? और ये राइटर बनने की सोच रहा है। आप दोनों साइन कीजिए। आप दोनों विटनेस हैं। आइए साइन कीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बाद में मिलता हूँ। हाँ, मिलता हूँ। हे, जब बोलूंगा तो हाथ रख ले। रख ले, रख ले। ख्याल रखना इसका। बिल्कुल। बाय।
आपको कहाँ छोड़ू मैडम? दरअसल मुझे रिकॉर्ड रूम में कुछ काम है तो मैं यहीं रुकूंगी। आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? तुम दोबारा मेरे बच्चों के साथ ना ऐसे फालतू गेम मत खेलना, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? लाओ फोन दो। ब्राउजर हिस्ट्री चेक करो। ब्राउजर हिस्ट्री मेरी या उसकी? उसकी। हाउ टू हंट, हाउ टू किल अ डियर, हाउ टू किल अ हाइना, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। मजाक लग रहा है तुम्हें? नहीं पापा, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं। किसने सिखाया उसे ये सब? तुम्हारी वजह से ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। ग्रेट हॉर्न्ड आउल जोशी, ये बेचारे वैसे ही दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसे कहां से पकड़ लिया भाई? सर ऑस्ट्रेलिया का उल्लू है ये, मैं सब जानता हूँ सर। फेंक रहा है ये धूमगा एक रख के। कब से कर रहा है ये सब धंधे? और कितने हैं तुम्हारे पास? सर सिर्फ यही है सर, गुलेल से इस पे निशाना लगाया और ये घूमता हुआ नीचे आ गिरा। जोशी ब्लू क्रॉस को इन्फॉर्म करो, इसका इलाज करना होगा, और अपने वेटरनरी डॉक्टर को यहाँ फौरन बुला लो। वो अब नहीं रहे। क्या कह रहे हो? हाँ तुम्हें बताना भूल गया, वो कल रात एक कार एक्सीडेंट में मारे गए ऑन द स्पॉट। आई थिंक कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। हाँ क्या? ठीक है मैं आता हूं। हाँ कार एक्सीडेंट नहीं था, प्लान मर्डर था उस डॉक्टर का। मर्डर? कैसे पता? उसे गोली मारी गई, फोरेंसिक से अभी पता चला। हमारे शहर में मर्डर? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। समझ में नहीं आ रहा जोशी, 20 साल से मैं शहर में हूँ लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी सुना ही नहीं है। ऐसे खुलेआम गन लेके कौन घूम रहा है? अरे पार्थिव तुम इतना परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। मैं जरा जाकर चेक करता हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। श्रुति जल्दी जाओ यहाँ से। ए मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं श्रुति अभी... जाओ उनसे मैं बात कर लूंगा। जाके गेट बंद कर। छोड़ उसको वरना डाल दूंगा इसको। खत्म कर दे उसको। क्या कर रहा है तू? मार से।
ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा है, नो फिजिकल इंजरीज बट पीटीएसडी का साइन लगता है। ये बच्ची बड़ी घबराई हुई है, एंग्जाइटी तो रहेगी पर घबराने की कोई बात नहीं है। आई विल गिव अस सम मेडिसिंस, आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा। ओके ओके पार्थिवन, पार्थिवन जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना, कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। सत्या कैसे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है और फिर अचानक ये सब। सर हम लोग और वेट नहीं कर सकते, मैं अंदर जा सकता हूँ। पार्थिवन बाहर पुलिस इंतजार कर रही है, मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा है। जोशी क्या कोई और रास्ता नहीं? सत्या बात को समझो, ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए, मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा, हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं, घबराओ मत। ओके पार्थिवन, पार्थिवन चलो। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्युवक्तियों के ठीक माथे पे लगी है, एक भी गोली नहीं छूटी। कोई भी अनुभव बिना एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है? कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगा कर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिवन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। नजरात जी, उधर खड़े हो जाओ, चलाओ। अरे छोड़। शायद शशिकांत, क्या कर रहा है तू? पार्थिवन, पार्थिवन आगे आइए।
मेरे भाई को जिसने मारा है, जब तक उसके और उसके परिवार के टुकड़े न कर दूं, तब तक मैं इनकी अर्थी नहीं उठने दूंगी। मैं वचन देती हूँ, वचन, मैं वचन देती हूँ। तुमने मासूमा का खून नहीं किया है, वो सभी गैंगस्टर्स थे। It will come under self defense, okay? घबराना मत, हम संभाल लेंगे, ठीक है? चिंटू का ध्यान रखना। जज साहब, कुछ हफ्ते पहले हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था और पूरा गांव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया। मेरा बस एक ही सवाल है, जंगली जानवर से ये आदमी इतना प्यार करता है तो 5 लोगों का खून क्यों करेगा? वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉई, अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था। उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। योर ऑनर, मेरी मांग है कि सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंदर मेरे क्लाइंट को बरी किया जाए। इस मामले में प्रस्तुत तर्कों, गवाहों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिवन धारा 103-106 के मुताबिक दोषी नहीं है। उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मैं भारत सरकार को पार्थिवन के निस्वार्थ काम के लिए उन्हें वीर पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव देता हूं। पार्थिवन, आप सर उठा के जी सकते हैं। चलिए हटिए, जगह दीजिए, प्लीज हटिए, पीछे हटिए, ये रिपोर्टर को पीछे हटाइए, दीजिए, चलिए हटिए, पीछे हटिए, हट जाइए, हटिए, रास्ता छोड़िए, पीछे पीछे हो, चलिए चलिए रास्ता छोड़िए, ये दे दो, चलो बैठ जाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए हटो, अरे रास्ते से हटो। उन पर काफी केसेस दर्ज थे, शायद वो लोग बहुत खतरनाक होंगे। इतने आदमी मारे जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है वो चुप बैठेंगे? जरा ख्याल रखना। यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने, कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है, और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगे? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर, घर का ख्याल मैं रख लूंगी, अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। कॉफी पीनी है, दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूं। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? सलाम भाई। सलाम सर। सलाम। हाय सर। सलाम भाई। असली मर्द है। पार्थिवन, मुझे उस दुकान में जाना है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम्हें जो लेना था ले लेना, चलो सिद्धू। संभाल के जाना। जी बाबा। मम्मा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते, एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। तुम दोनों खा के आ जाना। ठीक है मां।
सर मैं कुमार बोल रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मिली। हाँ। शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिवन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन दो हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा कर रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। पार्थिवन कहाँ हो तुम? मार्केट में। तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है? आखिर बात क्या? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ, अभी इसी वक्त। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में काटने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे। छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई?
उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर जब बुलाते तब यहाँ आ जाते ना। चलो अब घर चलते हैं प्लीज। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ए कुमार, बाहर मेला लगा है क्या? निकालो इनको यहाँ से। भारती, भारती देखना बाहर हमारे आदमी क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाकर निकलने को कहा था ना, तो क्यों मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? वहां उस टेबल पर जाओ, जो भी तुम बोलोगे वो लिख देगा, उस पर साइन करके चुपचाप यहां से निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। ए, चाय भेज अंदर। अब कहां जा रहे हो तुम? क्या देख लेंगे आप हमें मरते हुए? घर से निकलते ये सोचना पड़ता है कि कौन कहां से हमला कर देगा हम पे। तो तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? दो हफ्ते पहले जो लोग शूट आउट में मारे गए थे उसमें से एक की बॉडी मॉर्चुरी से गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने भी आपको अलर्ट किया था कि हम लोगों की जान को खतरा है, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? तुझे किसने बताया? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ना। तू क्या चाहता है, 24 घंटे तेरे बारे में सोचें, तेरी सेवा में लग जाएं? यही मेरा काम है क्या? एक मिनट, न्याय के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारने जा रहा था, मैंने उसे गोली चला के मार दिया, मैंने क्या गलत किया? घर के बाहर 24 घंटा एक पुलिस वाला बंदूक लेकर हमारी हिफाजत के लिए रहना चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ए, उठ यहाँ से। मैंने कहा उठ यहाँ से, उठ, चल निकल यहाँ से। तू कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? चल चल निकल। मेन साहब को पुलिस की वर्दी में पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। तू हमें ऑर्डर दे और वो काम हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। तुझे सिक्योरिटी देनी है या नहीं, ये फैसला सरकार करेगी। तू कानून नहीं है और ना ही तू सरकार है, तू बस एक मस्का पाव बेचने वाला दुकानदार है। आइए, आपका ही इंतजार था। इन साहब को आवाजों से डर लगता है। पुलिस वाले को 24 घंटा बाहर खड़ा रखेंगे ये अपनी सुरक्षा के लिए, और अंदर बीवी के साथ रंगरलिया मनाएंगे। पुलिस ऑफिसर है, बदतमीज, ढंग से बात कर। क्या बोल रहा है तू? सर, अब आप कैसे? गर्दन ठीक है? पार्थिवन, तुम पागल हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा किसने बोला कि मुझे खरोंच नहीं आई? तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी, तो ही मार दे। जैसी तुम्हारी मर्जी। सर, अभी रात में। नाउ, यस, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए।
नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर। पार्थिवन तुमने अपने गांव का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर मांगा था। यही था हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर। सुना होगा त्रिची में एक ड्रग बस का केस हुआ था। इसी ऑफिसर ने अकेले वहां 50-60 लोगों को पकड़ा था। किसकी फोटो है? थैंक यू। इज इट स्वीट? ये वाली तो बेहतर हो सकती है। इसे बेहतर बनाता हूँ। भैया वो जो लड़की पीछे बैठी है ना, बहुत देर से घूर रही है आपको। एकदम से मत पलटना। शायद मीडिया से है। एक आदमी है, वो बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार जाके देखिए ना आप। कहाँ है? हाँ, पीछे बैकयार्ड में। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या खाएंगे आप? कॉफी। शुगर? तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि अपुन को कितना चम्मच शुगर मांगते हैं। आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते मुझे कैसे पता होगा? चल शुगर डाल दे। ओके। सॉरी सर।
सर शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। सर मुझे ये सब नहीं पता, आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं। देखिए सर आप मेरे कस्टमर हैं इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर। लियो लियो है तू? पार्थिवन, लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। डू यू माइंड? कैन यू मेक इट लिटिल स्ट्रॉन्गर? श्योर सर। इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। D/ तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल 25 पफ्स। इस ब्रांड का फादर तू है। तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना? जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था, तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा, हैरल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया, लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक में आ गई। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो? एक मिनट, क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। देखिए मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ, आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंट व्यू लॉज उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। सर नो अल्कोहल प्लीज। का एक दोस्त कड़प्पा में रहता है, मैंने उसे वो D/ सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहां आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद, जरा एक मिनट, मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाला है समझ में नहीं आ रहा मुझे, पर जानना जरूरी है। नहीं नहीं, प्लीज एक बार सुन तो लो, तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था लियो। हाँ तो लियो दास, लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया, कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन तुमको कुछ चाहिए क्या? तुमने देख लिया, इतना काफी है। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली, और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ, मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माथी को लाई हूँ अपने साथ, वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी, तुम ख्याल रखना। ठीक है, घर पहुँच के फोन करना।
की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है, तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है, मेरा अपना खून। कैफे में आप ही थे ना, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपुन यहां लफड़ा करने नहीं आया। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फिर वही आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ अकेली हूँ पार्थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुँच ही रहा हूँ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है। लोगों से भीख मांगी, एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहां ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहां ईमानदारी की बातें कर रहा हूं? अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहां बैठे बैठे सोते रहते हो, इससे अच्छा बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ऐसा ये गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। कुछ मत बोलो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। उम्र में बड़े हो इसलिए। देखो तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो भाई। भाई मैं जाओ, दिमाग खराब कर दिया। सॉरी बाबा, आप थे मुझे। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था, साबित हो गया कि तुम मेरी औलाद है। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है।
वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं, ठीक है? ओके, बाय। इस बारे में काफी अफवाहें हैं, पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम हृदय राज डिसूजा है। जानकारी सही है तो वो लियो दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूँ? मैं अभी निकलता हूँ, तुम अरेंजमेंट्स कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊँगा। ओके जोशी, थैंक यू। विलन कौन है? इतनी देर हो गई, तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? पापा वो आजकल रोज लेट आती है। अच्छा, देखो फोन तो आ गया उसका। हाँ बोलो ना सत्या। पार्थी, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी, तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो सोच रही थी आज रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आया या नहीं? मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन। इतनी सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है, जाओ सो जाओ। नहीं ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर में कुरियर आया था मैडम के लिए। सर एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नरक भेज दूंगा। भले ही मेरा घर मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता सर, काम को भगवान मानता है, कसम से, यकीन करो। अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो बस मैनुअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था, किसी को बता रहा था सर। ठीक है ठीक है। चिंटू, ए चिंटू, खड़ी क्यों हो, बैठो ना। कैसा है अब वो? वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए उसका फोन नहीं आया, सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मुझे फोन कर देती, मैं कुरियर कर देता। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओ, ऊपर माले पर रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर यही है हृदय राज डिसूजा, बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है, मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा, वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री, उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा उसके साथ ही भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पेटिशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो। शुरुआत से सब कुछ। राज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है।
आप यहाँ आए हो एक लेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात करो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ? उस टबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा? इसलिए बता देता हूँ चल। वो साल था 1999, दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था, लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नरबलि भी देने लगा। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड, वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहां उसकी मुलाकात ड्रग कार्टल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टल बनाना। उसने एक ड्रग को चुना, धतूरा। मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, ना किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हैरल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था, दास, लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस कर। नौकरी दांव पे लगा के डील की थी और तू मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। कावे? हाँ भाई। कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रुका था? मैं दलाली करता हूँ। उस डैनियल से पूछो, माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको? बहुत खुजली है रे तेरे में।
इसके साथ मिलकर काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो, तो मैं तेरा धंधा रोक देगा। अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ाए, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना? कोई जिए हमारे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूं तेरा निशाना किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। जुड़वा पिक्चर देखी क्या तुमने? वही ना जिसमें सल्लू भाई ने डबल रोल किया था। अपने वाले में थोड़ा चेंज है, उसमें दो मेल थे, इसमें एक मेल है और एक फीमेल। लियो, रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते हैं। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा, बताओ ना क्या करें? नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी रात डॉक तक जाएगा। 2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो, 2000 किलो धतूरा, उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वही एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? माल सही सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। वाला अगर छप्पर फाड़ कर देने का वादा करता है तो सीना चीर के कुछ छीन भी लेता है। आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, उनमें से सिर्फ ये 2 ही हमारे काम की हैं। अब आप खुद ही देखिए और फैसला कीजिए। कुंडली नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। ऐसी दूसरी कुंडली नहीं थी जिसमें समय और नक्षत्र एक हो। ऐसी कुंडली दोबारा नहीं मिलेगी दास। या तो को भी मार डाला, अभी अंधविश्वास
एलिसा को छोड़ दे। लियो, ये सब अपन धंधे के वास्ते कर रहा है, तू क्यों नहीं समझता? वो सिर्फ अपन की सिस्टर नहीं, एलिसा की जान में अपन की जान बसती है। अगर तूने एलिसा को कुछ किया तो तू चाहे जितने भी जन्म ले, हर जन्म में तुझे ढूंढकर तेरे शरीर से तेरी जान निकालूंगा। जब जब तू मेरे सामने होगा तब तब तेरा आखिरी दिन होगा। तू भीख मांग रहा है इससे? जिस दिन अपनी मां मरी थी इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ही ली है तो ये मेरा बाप नहीं है और ना ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं। मेरे लिए काम करेगा लियो, तू इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। बच्चे की बलि देना चाहता है ना? लियो, अब से ये धंधा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ जला के राख कर देगा। लियो, रुक जा। आए, मेरा चाकू भाई। दूर चलो।
में खिलाया, वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो, इस फोटो में लियो है या नहीं? अगर बता दोगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। ए वार्डन, ले चल मुझे। निंदा रही है रे। अपने को भी जाने दे, तू भी गलती मार ले। ये जब हम तीसरी में थे तब की है, ये चौथी की और ये पांचवी क्लास की है। हाँ, ये खत उसने मुझे कॉलेज के दिनों में लिखा था। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? अपना भाई मानकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो उसे कुछ नहीं बताऊंगा, बस ध्यान रहे उसे पता ना चले, वरना उसका दिल टूट जाएगा। हेलो, पार्थिवन सर बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। सर आप जल्दी से अपनी कॉफी शॉप आएंगे? इट्स एन इमरजेंसी। सर हम जब दारू पी रहे थे तो वो भी हमारे साथ बैठ के पी रहा था। बहुत खुशी से बोल रहा था, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया। वहाँ पे जो भी था सबको दारू पिलाया। उसके बाद वो पूरा नशे में बाहर निकला, सड़क पे खड़े होकर किसी के साथ फोन पे बहुत देर तक बात कर रहा था। तभी 4-5 गाड़ी आई और उसे खींच के उठा के ले गई। ब्लैक गाड़ी थी क्या? जी सर। वो आदमी तुझे अपना दोस्त कह रहा था, कैफे में तुझसे मिलने भी आया था, तेरी फोटो भी ली उसने। तेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है बोल। सर, मेरी कॉफी शॉप में आके रेगुलरली कॉफी पीने वाले का ये हाल हो तो मेरी आंखों में थोड़ा तो दुख दिखेगा। देखिए ना मेरी आंखों में, मैं दुखी लग रहा हूं। मुझे क्या पता ये कौन है सर। मेरी दुकान की चौखट पे आके ये मर गया, इसमें मेरा क्या लेना देना। आप पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, वहीं बैठ के इंटरोगेशन कर लेना। छोटी बच्ची को अकेला घर पे छोड़कर आया हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं जा रहा हूँ। निकल। हाँ जा रहा हूँ। पार्थिवन के लिए अफसोस करूं या उस पर शक करूं? सुनो, हर इंसान के झूठ बोलने की एक सीमा, एक लिमिट होती है। वो एक हद के बाद झूठ नहीं बोल सकता, और एक बार वो उस हद तक पहुंच जाए फिर वो ढोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पार्थिवन ही है। हमें जिस सच की तलाश है वो सच हमें सिर्फ लियो ही बता सकता है। पार्थी तुम कब आए? चिंटू कह रही थी तुम्हें कोई फोन आया था इसलिए तुम कहीं चले गए। कहाँ गए थे? पता है ऑफिस में बहुत सारा काम था। और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? क्या हो गया पार्थी, यहाँ इस तरह अकेले मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। I am a loser. I am a loser. सत्या मेरी आंखों में देखकर तुम तो सही और गलत का अंदाजा लगा सकती हो ना? पार्थी प्लीज, छुओ मत मुझे। ये पूरी दुनिया मुझ पे शक करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझ पे कैसे शक किया? तूने मुझे कोई और कैसे समझा? सत्या, सब खत्म हो गया। अब तू मुझे कितनी भी सफाई दे दे,
लेकिन मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तूने मुझ पे शक किया है। ये क्या किया तूने? हमारा इतने सालों का भरोसा एक पल में तोड़ दिया तूने सत्या। मैं लियो नहीं हूं। मैं हर किसी को बता बता कर थक चुका हूं कि मैं पार्थी बनूं, पार्थी बनूं, पार्थी बनूं। और कोई मेरे जैसा दिखता है तो मैं क्या करूं? बेटा, बेटा, कुछ नहीं है। पापा की तबीयत ना ठीक नहीं है। तुम सो जाओ। Dance for me, dance for me, dance for me. Ooh, ooh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. When you're done, I'll make you do it all again. एक बात बता, कोई गली का गुंडा, अगर कोई गली का गुंडा मेरे जैसा दिखता है तो तुम लोग आंख बंद करके मान लोगे कि वो मैं ही हूँ। मेरे सारे भरोसे को एक पल में चूर चूर कर दिया तुमने। वो आदमी आके कहता है कि वो मेरा बाप है और तुम मुझे अपना पति मानने से भी इनकार कर रही हो। ऐसा क्यों सत्या? ठीक ही है, माँ बाप का अपने शहर का नाम नहीं पता, अनाथ हूं ना। अगर माँ बाप जिंदा होते तो कोई मुझ पर शक नहीं करता। अनाथ हूं मैं, अनाथ हूं, अनाथ हूं मैं। नहीं पार्थी, तुम अनाथ नहीं हो। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जब दूसरे मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे पास भी तो सबूत होने चाहिए कि ये वो आदमी नहीं है। मुझे पूरी शिद्दत से कहना है कि ये भारती बन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? सत्या, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम मुझे कोई और समझने के बाद भी तुम मुझे कैसे छू सकती हो? अजीब सा नहीं लगेगा तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराए मर्द के साथ प्यार? तुम मुझ पे भरोसा करना सत्या, मुझ पे भरोसा करना। मैं ही तेरा पार्थी हूं, मुझ पे यकीन। लियो, तेरे को जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। तू नहीं आया, इसीलिए अपुन तेरे पास आ गया। बाहर देख। तूने खुद ही मामले को इतना बढ़ाया। तू मेरे पास आता और मान लेता कि मैं ही लियो, तो अपन यहाँ आने की तकलीफ ही क्यों करता? भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं आना, मैं संभाल लूंगा। अपन सिर्फ तेरे से मिलने आए हैं। लेकिन देखो, इसने जंगली सुअर पाल रखा है। चल ठीक है, चल बता कि तेरा लाडला बेटा किधर है। सत्या, सिद्धार्थ कहाँ है? क्या हुआ? सिद्धू कहाँ है? देखो सिद्धू कहाँ है? गाड़ियाँ खड़ी है, इनमें से किसी एक में तेरी औलाद है। यहाँ नहीं है। सिद्धार्थ, बच्ची को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। एक बात बताऊं क्या? तेरा बेटा मेमने के माफिक है, सुट्टे के फिराक में मेरे हत्थे चढ़ गया। सही मिलेगा। पार्थिपन हो क्या रहा है? सिद्धू कहाँ है? फोन पर कौन है? मेरे अलावा कोई भी अंदर आए तो मार देना, मार देना। कर सकते? छोड़ना मत, लो पकड़ो, पकड़ो इसे। चल, मान लिया तू लियो नहीं है, लेकिन दिमाग पर जोर डाल कि मैंने तेरे बेटे को क्यों उठवाया। 22 साल पहले आज ही के दिन तेरी बहन की हत्या हुई थी। आज वही दिन है और आज ही के दिन अपुन ने तेरे बेटे को उठवाया, तो सोच उसका मैं क्या करूंगा। एक बार बोला तो तुझे समझ नहीं आता? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दे, बता कहाँ है वो? दरवाजा खोलो।
बेटा कहाँ है? बता वरना जान से मार दूंगा। बात का जवाब दे। मान ले कि तू अब उनका बेटा है, अब उन तेरे बेटे को छोड़ देगा। अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। नेपोलियन को बेड रेस्ट लेना होगा, लेकिन वो यहां नहीं रुकेंगे। भेड़ियों की तरह तुम पर हमला करेंगे। तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने निकल पड़ी है, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज लिसन टू मी। मैंने गाड़ी का इंतजाम किया है, तेरे घर के बाहर है। जरूरी सामान ले और यहां से निकल अभी।
आपने जैसा कहा था आपके भैया की बॉडी लाकर मैंने दे दी है, अब मेहरबानी करके मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना। जानता हूं कि मैं जो कहूंगा आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं अपने साथ। आप लोग डरिए नहीं, ये मेरे बेटे का स्कूल बैग है। सर ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, ये राशन कार्ड, ये आधार कार्ड, ये शादी की फोटोज, ये जब मैं दूसरी बार बाप बना था उसकी फोटो, ये जब बेटे का केक काटा था उसकी फोटो, और सर ये देखिए ना, ये जब मैंने पहली बार 15 अगस्त में नन्ना मुन्ना राही गाया था ना स्टेज पे, उसकी फोटो है। यकीन नहीं आ रहा ना, ये देखिए सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है। देखिए पहचानो, तू और तेरी सिस्टर, बर्थडे था तुम लोग का, और यानी बाजर का फोटो अपने टोबैको फील्ड में घुस गया था, याद है तेरे को? उसको मारने के बाद ही ये फोटो लिया था, खून के छींटे लगे, लेकिन कितना स्मार्ट लग रहे थे। समझ गया सर, आपकी कोई गलती नहीं है सर, आपने मुझे लियो समझा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये जो आदमी है ना ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तो चाचा को मां बाप बना रहे क्या? सर तेरे को ज्यादा समझ में आ रही है क्या? लियो, याद है तेरी ट्विन सिस्टर के साथ मैंने क्या किया था? तू भूल तो नहीं पाया होगा ना? एक्सेप्ट कर ले कि लियो है तू। सर मेरी कोई बहन नहीं है, मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात? सिद्धू, सर इतने सालों में पहली बार ये ईगल किसी को इतने प्यार से देख रहा है। इंसान झूठ बोल सकता है, सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, लेकिन ये बेजुबान, ये झूठ नहीं बोलते। सर इतने करीब से किसी चील को मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। सर इसे हटाइए ना सर, मुझे डर लग रहा है। अपने फैमिली को बचाने के वास्ते कर रहा है ना तू, लेकिन तेरे से एक मिस्टेक हो गया। एक लाइफ को बचाने के लिए तूने दो लाइफ को रिस्क में डाला। तू तो कच्चा लींबू निकला था तीजे। अब जरा सोच के देख, तेरी बीवी और बच्ची को मेरे आदमी काटे हैं, तो कैसा फीलिंग होएगा? ए, काम चालू कर। ठीक है भाई। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। क्या हो रहा है सर? अपने आदमियों से कहना कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं करें, प्लीज सर। बेटा तुम सो जाओ। सर एक रिक्वेस्ट है, उनको बोलिए ना घर के अंदर ना जाए। हो क्या रहा है वहां? सर प्लीज आगे बढ़ो। तू ऊपर जा। सर अरे तुम लोगों की सुनेंगे, मेरी नहीं सुन रहे। सर प्लीज उनको बोलिए ना घर के अंदर ना जाए, मैं तो भोला भाला पार्थिवन हूँ भाई। मुझे ऊंचाई से डर लगता है बॉस। अरे जा रहे, माय साइड ऑल क्लियर। कुछ लोग मेन डोर से अंदर आ रहे हैं।
आए थे, मैंने सबको ठोक दिया, सिर्फ एक बच गया, खिड़की से अंदर घुस गया। हाँ हाँ ठीक है नेपोलियन, मैं देखता हूँ। मेरे साथ होशियारी, अभी देखता हूँ तुझे। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। भैया सर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो बार बार कट क्यों कर भैया? वहाँ चल क्या रहा है? ये आदमी बहुत चालाक है, हर तरफ जाल बिछाया है, अपने सारे आदमी मारे गए। भाई मेरी बात का यकीन करो, वो कंफर्म लियो ही है। तेरे सामने कौन है अब? उसकी बीवी और बच्ची है, बोलो तो काट दूं। जरूरत नहीं, फोन को स्पीकर पे डाल और उसके वाइफ की तरफ घुमा। प्यार से बोल रहा हूँ भतीजे, मान ले के तू ही लियो है, इन्हें छोड़ दूंगा। देखो तुम डरना मत, हाँ तो बोल कर। जकड़ बांधड़ू। मैं जोक मार रहा हूं क्या जो तेरे को हंसी आ रही है? मैं लगता है कोई कुत्ता है। पहले ही बोला था अपने आदमियों को अंदर मत भेजना, देखा मारे गए ना।
इसे पहचाना, इसी से तेरे सिस्टर को मारा था। जाके देख कोई गाड़ी खड़ी है क्या? अपने अतीत के बारे में बात करें तो कोई अच्छी बात तो निकलती छे। अपना ऐसा कोई सीन नहीं है। अपने अतीत में अपन ने जाने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक की है। उन्हीं मिस्टेक को रिपेयर करने का मेरा आखिरी तरीका था परिवार। इस परिवार की हिफाजत के लिए मैं किसी भी औकात तक गिर सकता है। लियो नाम का कीड़ा मर चुका है। अब इस बात का यकीन पूरे शहर को दिलवाना है तो सबसे पहले अपन को यकीन करना होगा। लियो मर चुका है ये बात मैं मान लिया है। समझाया कि मैं लियो नहीं है, नहीं माने, हमको मारा, आखिरकार मान गए कि मैं लियो नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। माँ को यही बोलना, वादा कर। आप भी वादा करो, अगर मुझे फूंकते हुए देखा तो माँ को नहीं बताओगे। ऑन करना। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। बाहर का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया। शायद बंद करके आऊं क्या? लियो, इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को जलाना है। मैं कौन हूं पता चल गया?